हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम ऑन ह्यूमन बींग्स की वीडियो सेंड की थी, अब मैं ये आपको नोट सेंड कर रही हूँ, ठीक है। तो जैसा मैंने उसमें एक्सप्लेन किया था, एक बार नोट्स को भी मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स, इसमें आपका मेनली टू सिस्टम वर्क करते हैं, एक एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा एसोसिएटेड ग्लैंड्स। एलिमेंट्री कैनाल में आपका माउथ, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन से मिलकर बनता है एलिमेंट्री कैनाल। दूसरा है आपका एसोसिएटेड ग्लैंड्स। एसोसिएटेड ग्लैंड्स में से है आपका जैसे कि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है, स्लाइवरी ग्लैंड्स हैं, लीवर है और पेनक्रियाज। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो फूड है वो माउथ से एंटर होगा, फिर उसमें च्युइंगिंग होगी टीथ के थ्रू, टंग जो है रोलिंग का वर्क करेगा और उसको पुश डाउन करेगा। सलाइवा ग्लैंड्स सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम सिक्रीट करेगा, जो क्या कर रहा है, स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर रहा है। स्टार्च क्या है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, और माल्टोज क्या है, वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। फिर इसके बाद जो आपका मूवमेंट है ईसोफेगस के थ्रू, पेरिस्टेटिक मूवमेंट के थ्रू, वो फूड नीचे आता है स्टमक में। स्टमक में आपका गैस्ट्रिक जूस है, वहाँ पर आपका पेप्सिन, HCl और म्यूकस प्रेजेंट है। फिर आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में वाइल जूस और आपका पैनक्रियाटिक जूस दोनों वर्क करते हैं। डिटेल में हम आपको पहले ही मैं आपको बता चुकी हूँ। विलाई जो है वहाँ पर सरफेस एरिया प्रोवाइड करेगा एब्जॉर्प्शन के लिए। कंप्लीट एब्जॉर्प्शन जो है आपका न्यूट्रिएंट्स का स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन, और उसके बाद में आपका न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन कंप्लीट हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। फिर फूड जाता है आपका लार्ज इंटेस्टाइन में, वहाँ पर जो फूड में एक्स्ट्रा वाटर है और सॉल्ट्स हैं वो एब्जॉर्ब होंगे, और फिर आपका वेस्ट मटेरियल NS के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इंजेशन, ठीक है। तो ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम के नोट्स हैं, ये मैं आपको सेंड करूँगी और आपको इसे अपनी नोटबुक में कम्प्लीट करना है। फिगर इसमें 6.6 जो आपके NCERT में है वो आपको ड्रॉ करनी है, ठीक है। तो अब हम आज के टॉपिक पर आते हैं। आज का आपका टॉपिक है आपका रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन में फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका ग्लूकोज है, ग्लूकोज को वेरियस पाथवे हैं जिसको से आपको एनर्जी प्रोवाइड होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल ग्लूकोज जो है कैसा मॉलिक्यूल्स है, उसमें 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स है। फॉर्मूला आप सभी जानते हैं, C6H12O6, ठीक है। तो कार्बन के कितने मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पर, 6 मॉलिक्यूल्स। ये ग्लूकोज जो है आपका साइटोप्लाज्म में इसके क्या होती है, ग्लाइकोजेनेसिस होती है। ग्लाइकोजेनेसिस से ये पाइरूवेट में कन्वर्ट होता है। पाइरूवेट में क्या है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स हैं। तो आपके जो 3 पाइरूवेट के 2 मॉलिक्यूल्स फॉर्म्ड हो जाते हैं, उसका आपका एक है एरोबिक रेस्पिरेशन और 2 आपके एनारोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू। एनारोबिक रेस्पिरेशन जो उसकी अब्सेंस में, ऑक्सीजन की अब्सेंस में आपका ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। तो अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन यीस्ट में होती है, उसका प्रोडक्ट क्या बनता है आपका, इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड, और आपकी एनर्जी रिलीज होती है। लैक ऑफ ऑक्सीजन जो मसल सेल्स में होता है, लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन होती है। लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन से ही जो फटिगनेस है सेल्स में वो आपकी आती है। फिर आपका होता है जो एरोबिक रेस्पिरेशन, वो होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया में, और माइटोकॉन्ड्रिया में है आपका कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर एंड प्रोडक्ट है, और यहाँ पर एनर्जी मिलती है। और सबसे ज़्यादा एनर्जी जो प्रोड्यूस होती है वो एरोबिक रेस्पिरेशन में ही प्रोड्यूस होती है। फिर अब देखिए रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स डायग्राम से समझिए, और मैं इसके नोट्स भी आपको सेंड करूँगी, वो भी आपको अपनी नोटबुक में करनी है, और ये आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम में ये वाली आपकी फिगर ड्रॉ करनी है, ठीक है। तो पहले फिगर से समझेंगे हम रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेशन में, ह्यूमन बींग्स के रेस्पिरेशन में 2 प्रोसेस होते हैं आपके, एक्सहेलेशन और इनहेलेशन। पहले ये टर्म्स क्लियर कीजिए। एक्सहेलेशन, एक्सहेलेशन क्या है कि एयर की आउटसाइड जो मूवमेंट है बॉडी से उसको हम बोलते हैं एक्सहेलेशन। एयर की इनवर्ड जो मूवमेंट है उसको हम बोलते हैं इनहेलेशन, ठीक है। अब ये एक्सहेलेशन और इनहेलेशन में जो है ये जो मूवमेंट होती है ये इस डायफ्राम की वजह से होती है। ये जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होगा तो यहाँ पर एक कैविटी बन जाएगी, और उसकी वजह से क्या होगा, इनसाइड प्रेशर लो होगा आउटसाइड प्रेशर से, तो
तो वहाँ पर क्या होगा, तब क्या होगा कि आपकी जो आउटसाइड एनवायरनमेंट की एयर है वो नेजल्स के थ्रू आपकी एंटर करेगी। एक्सहेलेशन में क्या है, एक्सहेलेशन में जब डायफ्राम रिलैक्सेशन में होगा तो ये कैविटी कम होगी, तो प्रेशर अंदर का प्रेशर हाई हो जाएगा और आउटसाइड का प्रेशर, एटमॉस्फेयर का प्रेशर लो होगा। तो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूवमेंट चलती है, तो तब आपका क्या है कि यहाँ से नेजल्स के थ्रू एयर आउटसाइड हो जाएगी, मींस एक्सहेलेशन। ठीक है, चलिए, नेजल पासेस के थ्रू आपकी एयर एंटर करती है। नेजल पासेस में ही हमारे जो हैं यहाँ पर हेयर लाइक्स आपके स्ट्रक्चर होती है, वो क्या करती है, वो नेचुरल फिल्ट्रेशन कवर करती है, जितनी भी एयर में डस्ट पार्टिकल्स हैं तो वो वहाँ पर उसको रोक देती है, फिल्टर करती है। अब फिल्टर होकर एयर नेजल पासेस के थ्रू आपका आती है फेरिंग्स में, फिर आपका लैरिंग्स में, लैरिंग्स को हम साउंड बॉक्स भी बोलते हैं। साउंड बॉक्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ की यहाँ जो वाइब्रेशन होती है उसकी वजह से आपकी जो वॉइस है वो प्रोड्यूस होती है। लैरिंग्स के बाद आपकी एयर एंटर करती है ट्रैकिया में, ट्रैकिया से जब एयर अंदर जाएगी तो यहाँ पर ये जो दोनों लंग्स में यहाँ पर ब्रांच्ड हो जाएगी ट्रैकिया, अब इसको हम बोलते हैं ब्रोंकस। ठीक है, अब ब्रोंकस में जब यहाँ पर ब्रांच हो गई ब्रोंकलस में, तो फिर वो फर्दर ब्रांच्ड है, जैसे कि ट्री होता है, ट्री की एक मेन स्टेम होती है और फिर वहाँ पर फर्दर ब्रांच्ड होती हैं, तो इसी तरह से यहाँ पर भी फर्दर ब्रांच्ड होंगी, इनको हम बोलते हैं ब्रोंकाई, और उन ब्रोंकियाई पे भी फिर फर्दर ब्रांच्ड होके एक एयर सैक बैलून लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिसको हम बोलते हैं एल्वोलाई। इधर ये वाली इस फिगर में देखिए, इस तरह से ये एल्वोलाई होते हैं। ठीक है, तो ये जो सैक्स हैं तो ये प्रेजेंट होते हैं, और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैस होता है, मींस अब ये जो एल्वोलाई हैं ये कॉन्टैक्ट में होती हैं ब्लड कैपिलरीज के, तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से आपका लंग्स में आता है तो उसमें क्या है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज ज़्यादा है, और ये जो एल्वोलाई हैं इनमें क्या है कि इनमें ऑक्सीजन की परसेंटेज ज़्यादा है, तो यहाँ से हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होगा, मींस एल्वोलाई से ऑक्सीजन कहाँ जाएगी, आपका इम्प्योर ब्लड में, और इम्प्योर ब्लड से जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेस में है तो वो कहाँ पर आएगी, एल्वोलाई में। यहाँ पर एल्वोलाई जो है वो एक्सचेंज ऑफ सरफेस एरिया होता है यहाँ पर। ठीक है, तो अब देखिए इसी तरह से यहाँ पर देखिए कि एक पेड़ पर इसको जो आप एज्यूम कर सकते हैं वो एक नीम के पेड़ की तरह एज्यूम कीजिए, कि उसका एक मेन स्टेम है, फिर उसमें फर्दर स्टेम्स हैं, और उसमें फिर फर्दर जो हैं उसकी नीम की पत्तियाँ हैं, तो एक ही टहनी पर कितनी सारी पत्तियाँ हैं, तो ऐसे ही यहाँ पर एक ही ब्रोंकलस पर बहुत सारे एल्वोलाई सैक्स हैं, और ये क्या कर रहे हैं, इसको सरफेस एरिया इंक्रीमेंट कर रहे हैं। ठीक है, अबाउट टू ये इसको जो है 80 मीटर स्क्वायर, आपका देखें बुक में भी आपका गिवन है, जो एल्वोलर हैं वो सरफेस एरिया इतना स्प्रेड आउट कर देते हैं कि इट विड बी कवर अबाउट 80 मीटर स्क्वायर, 80 मीटर स्क्वायर एरिया उसको प्रोवाइड करते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए। ठीक है, इसलिए आपका एक मिनट में आपका जो एक्सचेंज ऑफ गैस है, ब्रेथिंग रेट होता, जो आपका रेस्पिरेटरी रेट होता है वो होता है 14 to 16 टाइम्स। ठीक है, तो एक मिनट में 14 to 16 टाइम्स, तो विद इन मतलब आपका कुछ ही सेकंड्स में ये सब एक्सचेंज ऑफ गैस होता है, तो उसके लिए क्या है, लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड कराता है आपका एल्वोलाई। ठीक है, तो यहाँ से आपका जो ब्लड है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो ऑक्सीजनेटेड होता है, हो जाता है, और उसी के थ्रू आपकी बॉडी में फिर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, वो कैसे ट्रांसपोर्ट होता है वो हम नेक्स्ट सिस्टम जब पढ़ेंगे, ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स, वो हम तब कवर करेंगे। ठीक है, तो ये आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हैं तो वह आप 2:00 ऑनलाइन आकर आप तब आप कंफर्म कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।